अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को 25वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाएंगे चिकन अंडा कटलेट। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स के करीब चिकन लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। सारे चिकन के पीसेस को हम बॉईल कर लेंगे। एक ग्लास के करीब पानी मैंने पतीली में ऐड कर लिया है, सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भर के दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। सो यहाँ पर चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, ये देखिए। इसका सारा पानी हम नहीं सुखाएंगे, थोड़ा पानी ऐसे ही रखेंगे। नॉनस्टिक सॉसपैन में 2 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, 1 अदरक लहसुन को हम जीरे के साथ फ्राई करेंगे। तीन से चार चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगी 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए गाजर ऐड करेंगे, 1 बड़ा टेबलस्पून भर के मैदे का आटा ऐड करेंगे, 1 मिक्स कर लेंगे इसे। मैदा ऐड करने के बाद ये बैटर बिल्कुल ही एक स्टिकी फॉर्म में आ जाएगा। चिकन को बॉईल करने के बाद जो पानी बच गया था वो सारा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि जब हमने चिकन बॉईल किया था उसमें भी हमने नमक ऐड किया था। फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। बॉईल किए हुए चिकन के पीसेस को मैंने यहाँ पर श्रेड कर लिया है, यानी कि इसका रेशा रेशा अलग कर लिया है। 2 मीडियम साइज के आलू को उबालकर उसका एक मैश रेडी कर लिया है, ये देखिए ऐसे। चिकन को हम आलू के मैश के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स किया हुआ चिकन और आलू दोनों चीज़ों को हम इस बैटर में मिला देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हाथों को ऑयल से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके कटलेट बनाना शुरू करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन लेके हम इसका बॉल बना लेंगे। बॉल बनाते हुए हम इसे फ्लैट करेंगे, इसकी एक टिक्की रेडी कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। हमने जो टिक्की रेडी की है उसे हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे और इसे प्रेस करते हुए फ्लैट करेंगे। जैसे कि इसका बैटर बहुत ही डेलिकेट है तो हम इसे प्लेट में रखते हुए टैप करेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस करते हुए जितना बड़ा आपको कटलेट का साइज चाहिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारा कटलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे। दो अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पर, उसे नमक डालकर फेंट लिया है। चिकन के कटलेट को हम इसमें डिप कर देंगे। अंडे को हम कटलेट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये बहुत ही डेलिकेट होता है, हम इसे अंडे के डिप में से उठाकर ऑयल में डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। हाथों की मदद से हम इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा छिड़केंगे ताकि इसके ऊपर एक बढ़िया सा अंडे का कवर आ जाए। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल ही लो मीडियम पर रखेंगे। यहाँ पर हमारा कटलेट देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सो गाइज, ये रहे हमारे चिकन अंडा कटलेट। कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारे मुंबई के मोहम्मद अली रोड की बहुत ही फेमस डिश है। अगर आप इसे मेरे अंदाज में बनाएंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मोहम्मद अली रोड पे मिलता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।